फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त किरण और आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मैजिकल हेयर केयर DIY लेकर गई हूं, जिससे आपके बालों का टूटना झड़ना इंस्टेंटली रुक जाएगा। आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, जड़ों से रिलेटेड जितनी भी समस्याएँ हैं सब के सब खत्म हो जाएंगे। दोस्तों आज मैं आपके सामने बताऊँगी कि प्याज का तेल आप घर पे इजीली किस तरीके से बनाएं जिससे आपके बालों से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगा। दोस्तों प्याज का तेल अगर आप मार्केट से खरीदते हो तो बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं। अनियन ऑयल आप इसको घर पे इजीली बना सकते हो बहुत ही कम सामग्री में और बहुत ही कम मेहनत में। तो यहाँ पे मैंने प्याज लिया है। प्याज दोस्तों कहा जाता है गुणों का भंडार होता है, इसके अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, इतने ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं कि हमारे बालों के लिए वरदान होता है। दोस्तों नॉर्मली अगर आप डाइजेशन के रूप में इसको खाना भी खाते हैं प्याज को, तो प्याज हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसी प्रकार अगर आप प्याज का रस आप अपने बालों पर लगाते हो ना, प्याज का तेल अगर आप अपने बालों पर लगाते हो तो बालों की जो बढ़ने की रफ्तार होती है ना, बिल्कुल 10 गुनी से 20 गुनी से भी ज़्यादा हो जाएगी। बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, बालों का टूटना झड़ना बिल्कुल कम हो जाएगा। तो यहाँ पे प्याज मैं जो आज बना रही हूँ, प्याज का तेल मैं लगभग 2 से 3 दिन के लिए ही बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो जितना मैं बना रही हूँ दोस्तों उसी का रेशियो को आपको क्या करना है, बढ़ा देना है। तो मैंने आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे साइज़ का प्याज लिया हुआ है और इसके छिलके को मैंने निकाल दिया है। वैसे प्याज का छिलका दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे बालों के लिए। प्याज का छिलका का इस्तेमाल किस तरीके से आप अपने बालों के लिए कर सकते हो, इसका भी मैंने एक वीडियो ट्यूटोरियल DIY मेरे चैनल पे डाला है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे प्याज को हमने छिलका निकाल के इसको छोटे छोटे पीसेज में बारीक से काट लेंगे। तो जितना छोटा रहेगा, वैसे ज़रूरी नहीं है पीसेज बहुत ही ज़्यादा छोटे हो या बड़े हो, आप अपने हिसाब से इसको कट कर सकते हैं। प्याज का अक्सर लोग देखते होंगे कि दोस्तों सलाद के रूप में खाते हैं, कच्चा प्याज खाते हैं। प्याज कहा जाता है वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। उसके साथ साथ ही दोस्तों कहा जाता है अगर गर्मियों के मौसम में कच्चे प्याज का सेवन किया जाए तो हमें लू वगैरह लगने की बहुत ही कम चांस होते हैं। दूसरी सामग्री जो मैं ले रही हूँ ये हमारा है कलौंजी, यानी कि मंगरेला, यानी कि ब्लैक सीड्स, ब्लैक क्यूमिन सीड्स भी इसको बोलते हैं। ये हमारे बालों को दोस्तों जड़ से काला करने का बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपके बालों को जड़ों से काला करेगा, बालों की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, बालों की जड़ों में जा कर के इसके जो नसेज होते हैं उसको खोलता है, जिससे आपके बालों की जो बढ़ने की रफ्तार है बहुत ज़्यादा बढ़ती है, नए बाल भी उगाता है दोस्तों कहा जाता है कलौंजी। और इसके बाद पहले मैंने बताया था मेथी और कलौंजी का तेल अगर आप अपने बालों पे लगाते हैं तो गंजे सर पे भी बाल उगाता है, इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये हमारा कलौंजी। तो कलौंजी लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे मैं बता रही हूँ ये हमारा है कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो कि 100% नेचुरल होता है। एक्चुअली खाने पीने की चीज़ों में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको जैसे वेट लॉस वगैरह डाइट्री वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके स्किन एंड हेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं तो अभी आज का हेयर ऑयल बना रही हूँ, इसलिए कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल हमारे बालों को नेचुरली नरिश करता है, लॉन्ग करता है, मुलायम करता है, सिल्की सॉफ्ट करता है दोस्तों, बिना किसी मिलावट के ये वाला तेल होता है। अगर आपके पास वर्जिन कोकोनट ऑयल नहीं है तो नॉर्मली आपके पास ब्लू वाला डब्बा पैरासूट का होता है, घर घर में होता है। ये वाला तेल भी जितना फ़ायदेमंद होता है हमारे बालों के लिए उतना कोई होता ही नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नेचुरल बना रहता है। आप यहाँ पे कोई भी कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वर्जिन कोकोनट ऑयल हो या फिर नॉर्मली जो आप ऑयल यूज़ करते हैं, तेल यूज़ करते हैं नारियल का, वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लगभग 2 से 3 दिन के हिसाब से मैं यहाँ पे ले रही हूँ तेल, और लगभग 7 से 8 चम्मच मैंने लिया है। आप इसी क्वांटिटी को डबल ट्रिपल गुना बढ़ा करके 1 वीक का 15 दिन का तेल बना करके रख सकती हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है ये तेल, लंबे टाइम तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो छोटे छोटे पीसेज हमने प्याज के काटे हुए थे उसको हम इस तेल में डाल देंगे। ध्यान रखें दोस्तों कि पहले तेल को आपको गर्म नहीं करना है, पहले सभी चीज़ों को तेल में अच्छे से मिक्स कर देना है। क्या होता है जब आप तेल को अच्छे से गर्म कर दोगे तो प्याज जैसे उसमें जाएगा तो बहुत ही जल्दी वो जल जाएगा और फिर उसके गुण जो है ना तेल में नहीं आ पाएगा। इसलिए पहले क्या करें, प्याज और कलौंजी को
इस वाले तेल में अच्छे से मिक्स कर दे, नारियल तेल में अच्छे से मिक्स कर दे। और उसके बाद बिल्कुल लो गैस पे, आपको लो गैस पे इसको अच्छे से पकाना है, लगभग 15 से 20 मिनट तक। लो गैस पे 15 से 20 मिनट तक पकाते पकाते क्या होगा, प्याज जलेगा भी नहीं, और प्याज की जो धीरे धीरे जो बढ़िया क्वालिटी होती है, प्याज के जो गुण होते हैं, वो धीरे धीरे तेल में आना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ ही आपको कलौंजी का भी जो प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है, वो सभी के सभी इस तेल में आना शुरू हो जाएगा, और एक मैजिकल तेल आपका बन करके रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं तेल हल्का सा जो है गुनगुना, मतलब आपको लग रहा उबल रहा है, और जो प्याज का कलर है थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को आपको लगभग 15 से 20 मिनट तक चलाते हुए करना है। कुछ ही देर में देखिएगा प्याज हल्का हल्का ब्राउन जैसा दिखने लगा है, तो बहुत ही ज़्यादा प्याज को जलाना नहीं है। जब इस तरह के कलर में आ जाए तो आपका तेल बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो 15 से 20 मिनट तक इसको बिल्कुल कम गैस पे, कम आँच पे इसको पकाना है। बहुत ही ज़्यादा तेज़ करिएगा तो प्याज जल जाएगा, और फिर तेल की जितनी भी खूबियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों इस वाले तेल को आपको क्या करना है, स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है, ताकि इसके जो प्याज के बारीक मोटे मोटे दाने हैं, कलौंजी वगैरह, वो उस तेल में ना आए, और फिर ये तेल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। तो काफ़ी अच्छे से इसको छान ले, बचे हुए को भी इस तरह से प्रेस कर ले, ताकि जो तेल इसमें लगा हुआ है वो सभी के सभी निकल जाए। और ये देखिए हमारा सुपर डुपर बहुत ही ज़्यादा मैजिकल हेयर ऑयल बन करके तैयार है हमारे बालों पे जाने के लिए। दोस्तों ये वाला तेल आप अपने घर में ज़रूर रेडी करें, बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही अच्छा होता है। हमारे हेयर ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा प्रमोट होते हैं, हमारे बालों की नसें खुलती है, बालों की जड़ें खुलती हैं, और हमारे बालों का टूटना झड़ना रुकता है। तो अब आपको इसको लगाना किस तरीके से है, बालों को हमेशा अच्छे से साफ़ करें, क्लीन रखें। दोस्तों जितना आपका बाल साफ़ रहेगा, आपको हेयर फॉल्स होने के चांसेस कम रहेंगे, डैंडरफ होने के चांसेस कम रहेंगे, और आपके जब बालों में डैंडरफ नहीं होगी तो हेयर फॉल्स नहीं होंगे, और जब हेयर फॉल्स नहीं होंगे तो बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, बाल लंबे होंगे, घने होंगे, मुलायम होंगे। इसलिए आपको कोशिश करना है कि हमेशा अपने बाल को वीक में दोस्तों 2 से 3 बार शैम्पू करें। 2 से 3 बार शैम्पू करने से आपके बाल का जो जड़ होता है वो क्लीन रहेगा, साफ़ रहेगा, और किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो हमेशा जब भी तेल अप्लाई करें, हमेशा साफ़ बाल में करें, तेल को लगा करके आपको रखना है। इसीलिए बालों को साफ़ करके उसके बाद उसमें तेल लगाएं। तेल लगाने के बाद आपको दोस्तों ये वाला प्रोसेस आप जो है नहाने के 2 घंटे पहले भी कर सकते हैं, या फिर आप रात को सोने के पहले भी लगा करके इसको रात भर अपने बालों पे लगा रहने दें, और फिर अगले दिन इसको आपको शैम्पू करके वॉश कर लेना है। तो मिनिमम 2 घंटा, मैक्सिमम ओवरनाइट आप इसको रखना है सर के ऊपर बाल में लगा के, बालों की जड़ों में लगाएं, बालों की जड़ों में लगा के इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक मालिश करें। और उसके साथ साथ ही आपको दोस्तों पूरे बालों की सिरों तक लगाना है। बालों के सिरों तक जब लगाओगे तो पूरी तरह से सभी जगह बालों का जो है तेल मिलेगा, और आपके बाल नरिश्ड और मुलायम होंगे। तो आपको 15 से 20 मिनट तक ये वाला तेल अपने पूरे बालों पे लगा लेना है, लगा करके 15 से 20 मिनट तक इसको मालिश देना है। मालिश करने के बाद दोस्तों या तो 2 घंटे या फिर ओवरनाइट को छोड़ दें, और फिर अच्छे से अगले दिन आपको शैम्पू कर लेना है। मालिश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मालिश करें और आपका बाल बहुत ही सुंदर और खूबसूरत हो जाएगा। कैसा लगा आपको आज का ये इन्फॉर्मेशन? वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।